press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल अड्डा। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक और उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया है आज के एनवायरनमेंट में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये ना सोचना सिर्फ कॉमर्स बैंक कॉमर्स बैकग्राउंड वाले पर्सन के लिए ही ज़रूरी है। ये जो टॉपिक है ये हर बंदे को इसकी नॉलेज लेना, बेसिक नॉलेज और थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसके बारे में लेना ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा, अब मैं आपको टॉपिक के बारे में सीधा बताऊँगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। और इसमें सबसे पहले दोस्तों, आज के हम वीडियो के ऑब्जेक्टिव अपने जान लेते हैं। तो आज के हमारे वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ बैंक और उसकी ज़रूरत, हिस्ट्री ऑफ बैंक और रोल ऑफ द बैंक, रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो दोस्तों, हम पहले जानेंगे व्हाट इज़ अ बैंक। तो दोस्तों, एक इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है मनी में और उसके सब्स्टिट्यूट्स में और प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विस, वो है बैंक। बैंक वो है जो एक्सेप्ट करता है पब्लिक से डिपॉजिट और उसके बाद उन लोगों को देता है लोन और उस मनी को या इन्वेस्ट करता है या लेंड करता है, वो होता है बैंक। बैंक के अलावा कोई भी पर्सन या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट नहीं ले सकता। इसकी हम पूरी डेफिनेशन जानेंगे अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। डिफाइंड बैंकिंग एज अ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। जो अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जो है वो डिफाइन करता है कि बैंकों की वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और उसको लोन या इन्वेस्ट करके पब्लिक को दे। और उसके बाद अंडर सेक्शन 49A ऑफ एक्ट नो पर्सन अदर देन द बैंक इज ऑथोराइज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन बाय चेक एक्सेप्ट SB स्कीम्स रन बाय गवर्नमेंट आर अ फर्म नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। जो 49A सेक्शन है उसमें ये भी बात है कि बैंक के अलावा कोई भी पर्सन क्या बोलते हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता और अपने चेक नहीं दे सकता। कोई भी डिपॉजिट तब कर सकता है या तो वो गवर्नमेंट की कोई SB स्कीम हो तब वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। बैंकिंग ये भी नहीं है कि डिपॉजिटिंग मनी, आजकल बैंक काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की, कस्टमर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। तो ये होगी दोस्तों डिफिनेशन ऑफ बैंकिंग। अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंक। तो दोस्तों, 1770 में पहला बैंक इंडिया का बना था जो कि जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान और वो कलकत्ता में बना था। उसके बाद 1800 में तीन और बैंक आए, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 1821 में जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था उसका नाम चेंज हो गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और उसी में जो तीन बैंक 1800 में बने थे, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, वो 1821 में उसके साथ मर्ज हो गए। और 1865 में अलाहाबाद बैंक वॉज फॉर्म, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है और वो सबसे पुराना इंडिया का पब्लिक सेक्टर बैंक है अलाहाबाद बैंक। अब दोस्तों, हिस्ट्री हम बैंक के बारे में जानेंगे 1911 से 1991 की। तो 1911 में फर्स्ट इंडियन बैंक वॉज विच वॉज होली ओन्ड बाय द मैनेज बाय इंडियन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म। तो 1911 में हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो फॉर्म हुआ था। और उसके बाद 1969 में 14 बैंक्स गेट नेशनलाइज हो गए थे। 1980 में 7 मोर बैंक्स गेट नेशनलाइज और 1991 में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अप्रूवल मिल गया था कि अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इंडियन मार्केट में आ सकते हैं। पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक थे जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। दोस्तों, मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा, आप हर लोग सोचता है कि आप मेरे को एक बात खुद सोचना कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं गवर्नमेंट बैंक्स, उनको सैलरी कौन देता है। हर किसी का जवाब होता है कि गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, पर दोस्तों नहीं, बैंक एक फर्म है और फर्म अपने प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से उनको सैलरी देती है। ये ना सोचना कि बैंक को प्रॉफिट आए ना आए गवर्नमेंट ने सैलरी हमें देनी ही देनी है। बैंक के एम्प्लॉई ऐसे नहीं सोचते, बैंक के एम्प्लॉई को पता है कि ये एक फर्म है और इसके प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से ही हमें सैलरी मिलेगी। अगर वो प्रॉफिट में होंगे तो उनको सैलरी मिलेगी, अगर वो लॉस में होंगे तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देगी।
तो दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे बैंकिंग की हिस्ट्री 2003 से और 2016 के बीच में। 2003-04 में नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लाइसेंस मिला, कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक को लाइसेंस मिला, उन्होंने भी इंडियन मार्केट में एंट्री करी। 2009 और 10 में बैंक्स ने बोला कि अपने बीसी और बीएफ अप्लाई एजेंट्स को ज़्यादा वो दो एजेंट्स बढ़ाओ अपने, कि जिससे बैंकिंग हर एक एक सेक्टर में, हर छोटी छोटी जगह में भी बैंक्स खुल जाएं। पहले बैंक्स बहुत कम जगह में होते थे, रूरल एरियाज़ में बिल्कुल बैंक नहीं होते थे, पर आज आप देखोगे तो 2018 के अंदर कि हर एक छोटी छोटी जगह में भी बैंक खुल गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, पब्लिक को ईजिली लोन मिल रहा है। लोन मिलने से क्या होता है कि इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी का फ्लो होता है वो अच्छा चलता है, उससे इकोनॉमी बढ़ती है। और 2015-16 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और एक्सपेरिमेंट करा, एक नए दो नए तरह के बैंक लेके आया, जिसका हमने नाम जिसको दिया एक पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक वो जैसे पेटीएम की तरह या एयरटेल पेमेंट या फ़ोनपे, जो आपकी छोटी छोटी पेमेंट्स भी कर सकते हैं, आप उसमें पैसे डिपॉजिट पैसे ऐड करके अपनी पेमेंट कर सकते हो। और स्मॉल फाइनेंस बैंक वो है जो छोटी छोटी रूरल एरियाज़ अर्बन एरियाज़ में भी छोटी छोटी जगह खुल गए हैं, वो आपको स्मॉल शॉर्ट टाइम के लिए या स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये थी अब हिस्ट्री ऑफ बैंक, अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक। दोस्तों बैंक्स के बिना मनी सप्लाई करना, मनी की सप्लाई इंक्रीज़ करना बहुत मुश्किल है। तो बैंक इंक्रीज़ करता है सप्लाई ऑफ मनी थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, वो क्रेडिट क्रिएशन से सप्लाई इंक्रीज़ करता है। तो दोस्तों उसके बाद बैंक हेल्प करता है रिमाइटिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह बैंक आपका पैसा पहुंचा देता है। ग्रोथ इन बैंकिंग एक्टिविटी हेल्प्स इन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो बैंक में अगर ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। तो और आजकल आप जानोगे बैंक प्रोवाइड करते लॉकर सर्विस, पहले लॉकर सर्विस इतनी सेफ नहीं होती थी, पर आज बैंक और ज़्यादा लॉकर सर्विस सेफ्टी दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, हम लोग सोचते हैं, आप एक सिंपल सी बात यही सोचोगे कि अगर आपने लॉकर में अपने कोई ज्वेलरी रखी बहुत कीमती, आपने सिर्फ उसकी वैल्यू बताई और ज्वेलरी लॉकर में रख दी, एक्चुअली दोस्तों बैंक कभी आपकी चीज़ नहीं देखता कि आप लॉकर में क्या रख रहे हो, आपने उसको सिर्फ रेंट पे लीज पे लिया होता है लॉकर। तो दोस्तों एक बात आप ये सोच बताइए कि अगर बाई चांस बैंक में चोरी होगी, लॉकर से सारा सामान चला गया, तो क्या आपको बैंक पैसे देगा? नहीं दोस्तों, बैंक पैसे नहीं देगा, क्योंकि आप खुद सोचिए, आपने अपना घर रेंट पे दिया, अब रेंट वाले के घर चोरी हो गई, जो वहाँ रह रहा था आपका किराएदार, उसके घर चोरी हो गई, तो क्या ऑनर्स को पैसा देगा? नहीं। तो ऐसी बैंक ने आपको सिर्फ लॉकर सर्विस दिया है, पर आप बैंक को दिखा सकते हैं कि मैंने इतनी सिक्योरिटी रखी, उसके बाद भी चोरी हो गई, तो इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको ये रेंट पे दिया है, तो इसमें चोरी होगी तो मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। तो देखो दोस्तों, बैंक प्रोवाइड करता है लोन्स और वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और बैंक फाइनेंशियल सर्विस भी देता है, काफ़ी तरह की बैंक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक, बैंक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है आज की मार्केट के लिए, बिना बैंक के सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर टू बैंक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था अप्रैल 1 को 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है ऑल बैंक्स को, वो ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक को करता है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी सुपरवाइज करता है, दोनों पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर और जितने भी तरह के रूरल डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं और ये पेमेंट बैंक्स आते हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स आते हैं, इन सबको आरबीआई ही सुपरवाइज करता है। दोस्तों आरबीआई के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, आरबीआई करेंसी इशू करता है, फाइनेंशियल मार्केट बैंक्स को रेगुलेट करता है, बैंक्स को इंटरेस्ट रेट के बारे में बताता है कि इस इंटरेस्ट रेट में आपने पैसे देने हैं, वो आरबीआई अपने इंडियन इकोनॉमी के मार्केट के हिसाब से डिसाइड करता है। ये बैंकर टू बैंक्स भी है, अगर बाई चांस किसी बैंक को पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आरबीआई उसको लोन दे सकता है। अब मान लीजिए HDFC बैंक को 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी और उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच किया कि मेरे को 500 करोड़ प्लीज़ दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो रेपो रेट लगा के आरबीआई उसको HDFC बैंक को लोन दे देगी। और दोस्तों
ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल लोगों को नॉलेज भी देता है, फाइनेंशियल लिटरेट भी करता है कि लोगों को फाइनेंशियली नॉलेज भी देकर उनको बताता है कि बैंक में आइए अपना पैसा डिपॉजिट करिए। क्योंकि देखो दोस्तों एक बात सिंपल सी बात है, अगर आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करोगे तो वो बैंक को नहीं पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। वो दोस्तों कैसे, अब अगर आपने सोची आपने 10,000 डिपॉजिट मिनिमम बैलेंस रखा, उस 10,000 से क्या होगा, बैंक के पास 10,000 थोड़े टाइम के लिए आया मान लो 2 महीने के लिए, बैंक उसको लेंड कर देगा, लेंड करने से 2 महीने का इंटरेस्ट आएगा, कुछ इंटरेस्ट वो आपको दे देगा, कुछ वो अपने पास रख लेगा, वो आगे जिसको लेंड करेगा वो आगे खर्चेगा। तो इससे इकॉनमी पूरी ग्रो करती है, इकॉनमी पूरी चलती है। अगर आप मान लीजिए कोई पैसा अपना डिपॉजिट ही नहीं करेगा तो इकॉनमी में कैश फ्लो ही नहीं आएगा, तो इकॉनमी ग्रो कैसे करेगी। सोच लीजिए अगर कोई भी अपना पैसा बैंक में सेव करना बिल्कुल मना कर दे तो इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी बिल्कुल ठप हो जाएगी। तो दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करता रहता है कि इंडियन इकॉनमी बिल्कुल स्टेबल अच्छी तरह से चलती रहे। ये थे रोल आरबीआई के। इसके बाद हम जानेंगे इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। इंडियन बैंक के अंदर सबसे पहले आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 4 तरह के बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और डिफरेंशिएटेड बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के अंदर आता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर के अंदर नेशनलाइज बैंक आते हैं जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद अलाहाबाद बैंक, विजय बैंक, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स टोटल हैं, इट्स अराउंड 19 बैंक्स इन इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और नहीं सॉरी 21 बैंक्स इन इंडिया दैट आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एंड देन 14 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक्स, येस बैंक, HSBC और दो आपको पता ही होंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन कौन से होते हैं, ये टोटल 14 बैंक्स हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स दोस्तों जो क्या बोलते हैं रूरल एरियाज़ में खुलते हैं, वो आरबीआई उनको खोलते हैं क्योंकि उससे क्या होता है रूरल एरियाज़ में भी पैसे की आवाजाही हो, मतलब पैसा फ्लो करे। अब दोस्तों मान लीजिए एक बहुत ही रूरल गांव है कोई बिहार में, अब वहाँ एक बैंक खुला, अब वहाँ के फार्मर्स को इजीली लोन मिल रहा है, कम इंटरेस्ट रेट में मिल रहा है, तो वहाँ के फार्मर्स को हेल्प मिल रही है, एकदम से पैसा मिल रहा है और उससे वो अपना खेतीबाड़ी कर रहे हैं। खेतीबाड़ी से करने से वो खेतीबाड़ी करके उसको बेचेंगे और उसको बैंक को इंटरेस्ट देंगे, इससे मार्केट का फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है। तो रीजनल रूरल बैंक्स भी बहुत हेल्प कर रहे हैं रूरल एरियाज़ को आगे बढ़ने में। अब दोस्तों जानेंगे कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो इसमें भी 3 तरह के होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और पब्लिक क्रेडिट सोसाइटी। तो दोस्तों जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं मिलके एक सोसाइटी या मिलके एक स्टेट अपना एक बैंक बनाए, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक, उसमें उन्हीं के अकाउंट ज़्यादा होते हैं। अब मान लीजिए एक RW है पंजाबी बाग की, उन्होंने मिलके एक अपना सोसाइटी का एक बैंक खोला, दैट इज़ पंजाबी बाग सोसाइटी बैंक लिमिटेड लिमिटेड, और उन्होंने अपना पैसा सबने मिल के वहाँ पर सेव करना, मिनिमम बैलेंस रख दिया, करंट अकाउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो, सेविंग्स अकाउंट भी। तो दोस्तों अब उससे क्या, वो मिलजुल के वहाँ पर पैसा सेव करेंगे, वहाँ से लेन पैसा लोन की तरह से अपना पैसा डिपॉजिट करेंगे और बैंक उन्हीं के पब्लिक को लोन देगा, उससे क्या अपनी उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और उसके बाद आते हैं दोस्तों डिफरेंशिएटेड बैंक्स, दैट इज़ पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक्स के अंदर पेटीएम का एग्जांपल ले लीजिए, फ़ोनपे का एग्जांपल ले लीजिए। दोस्तों आजकल पेटीएम बहुत चल रहा है, पेटीएम में आप क्या बोलते हैं अपनी पेमेंट ऐड कर सकते हो थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आजकल तो पेटीएम ने अपना एक सेविंग्स बैंक भी खोल दिया है उसी ऐप के अंदर। तो दोस्तों आप पेटीएम से अपने मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो ईजिली, और स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको प्रोवाइड करता है स्मॉल लोन्स। इसके बाद आते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ बैंक्स, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों मैं आपको एक रेकमेंड करूँगा कि ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव स्लाइड्स हैं, प्लीज़ इसे एक एक बार स्टॉप करके वीडियो को जरूर रीड करिए, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी आपके बैंकिंग लाइन में या आपको किसी भी लाइन में आप हो, ये आपको बैंकिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगी ये स्लाइड्स। मैंने ये बहुत मेहनत करके स्लाइड्स बनाई है कि आप सबको नॉलेज बैंक के बारे में मिल जाए, क्योंकि बिना नॉलेज लिए बैंक में जाना थोड़ा मुश्किल हो गया आजकल लोगों के लिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप सबको ये नॉलेज बैंक के बारे में पता होनी चाहिए, बैंकिंग की रिक्वायरमेंट हर सेक्टर में है।
ना कि सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट चाहे आप किसी भी लाइन में हो, चाहे आपकी छोटी सी दुकान है या आपकी कुछ भी कोई छोटा सा भी काम है, फिर भी आपको बैंकिंग की रिक्वायरमेंट कभी ना कभी पड़ेगी। तो बैंकिंग के बारे में जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ये थी आज की दोस्तों हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो अब ख़त्म होती है। आप सबका मैं थैंक्स करता हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखी, और मैं आपको नई वीडियो के साथ बहुत जल्द लौटूंगा। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों मैंने अपना नंबर भी दिया, अगर आपको कोई